नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। पीछे मेरे वहां पे लिखा हुआ है रामोजी फिल्म सिटी, यहीं पे इसका एंट्री गेट है जहां से हमने अभी एंट्री ली है। वहां गेट के सामने वीडियो मतलब रिकॉर्ड नहीं करने देते क्योंकि गाड़ियों का जो आवागमन होता है ना उस वजह से कि फिर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चलते हैं आज फिल्म सिटी के अंदर, आप लोगों को पूरी फिल्म सिटी दिखाएंगे। यहीं पे बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी, तेरे नाम फिल्म में सलमान खान को यहीं पे जेल में रखा गया था। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। वैसे कहने को तो जो मुंबई है उसको फिल्म सिटी बोलते हैं, लेकिन फिल्मों की ज्यादातर शूटिंग यहीं पे होती है। ये जो फिल्म सिटी है ये 2000 एकड़ में फैली हुई है, बहुत बड़ी फिल्म सिटी है। मेरे हिसाब से एक दिन इसको घूमने के लिए बहुत कम है। चलते हैं, जो मेन लोकेशन है वो आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए वहां पे टिकट काउंटर पहले टिकट लेंगे, फिर आप लोगों को आज पूरी रामोजी फिल्म सिटी दिखाएंगे। जितना हम खुद से देखेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। अभी मैं पहुंचा हूँ टिकट काउंटर जहाँ पे बना हुआ है। मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहीं से हमें टिकट लेनी होती है, जनरल टिकट काउंटर। तो यहीं से हम अभी टिकट लेके देखते हैं कितने का टिकट है। नहीं होगा? हाँ लीजिए सर, थैंक यू। टिकट का जो प्राइस है ना, वैसे तो वहां पे लिखा हुआ है, अगर आप देख पाएंगे, 1150 रुपए है। और टैक्स लगा के यानी टोटल जो टिकट है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1150 रुपए का बेसिक टिकट है। और ये GST 103 रुपए, दो GST लगने के बाद 1357 रुपए का टिकट पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली है। ये वाली जो बस है ये हमें अंदर तक छोड़ेगी, यानी अभी हम फिल्म सिटी के अंदर नहीं पहुंचे हैं, अभी बाहर ही हैं। जहाँ पे टिकट काउंटर है वहीं पे हैं। ये बस वहां तक हमें पहुंचाएगी, जहां से दूसरी बस जो मिलेगी हमें, जो फिल्म सिटी अंदर से घुमाएगी वहां तक ये बस लेके जाएगी। चलिए इस बस में बैठते हैं। ये वाली बस ने हम लोगों को यहीं पे उतार दिया है, और अभी फिल्म सिटी जो हम घूमेंगे इस वाली बस में घूमेंगे, जो चारों तरफ से खुली हुई बस है, यानी आप चारों तरफ से फिल्म सिटी को एंजॉय कर सकते हैं। ये वाला जो इधर है ना, यहाँ पे हम पहले भी घूमे हुए हैं। इधर कुछ मतलब कोई लोकेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ बच्चों की एक्टिविटी करने के लिए ये जगह है। अगर जैसे आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे बहुत जगह है। ऐसा का देख है तो मलूक हो नाक मंगड़ी कर दूंगो। मेरी तरफ देख रहा हूँ, देखिए
अभी हम लोग देखने आए हैं स्टंट शो। यहाँ पे देखो सामने, यहाँ पे जेल वगैरह और ये सारी चीजें बनी हुई है, तो यहाँ पे अभी लाइव शो दिखाया जाएगा। तो अभी हम इस बस से चलने वाले हैं, ये बस अभी आगे लगेगी। एक बस जो है वहाँ से भर के सवारियाँ निकल चुकी है, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए रह गए हैं, इस वजह से हम भी उस बस में नहीं बैठे। ये बस यहाँ पे लग गई है, चलो बस में बैठते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए एंजल फाउंटेन, हाईएस्ट फाउंटेन, सबसे ऊंचा फाउंटेन है ये रामोजी फिल्म सिटी का। ऑल द बेस्ट फिल्म में आपको दिखेगा। इसके ऊपर है ग्रीक और स्ट्रक्चर। और फिर से राइट साइड में देखिए लाइम लाइट गार्डन को। ये गार्डन को इवेंट्स के लिए यूज करते हैं, बर्थडे पार्टीज, मैरिज फंक्शन, अवार्ड सेरेमनीज के लिए फेमस है ये। एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेक गार्डन, स्मॉल बॉडी बिग लेग, डर्टी पिक्चर में दिखेगा आपको। फिर से आपके लेफ्ट हैंड साइड में है हार्ट बीट गार्डन, लव सीन बनाने के लिए। यहाँ पे हीरो हीरोइन का प्यार का कुछ सीन है तो यहीं पे बनाते हैं, दोनों तरह धुआं छोड़ के ऊटी बना देते हैं फैंटेसी स्प्रे। और बाद में क्यों शादी किया करके ऐसा बैठ के सोचते रहते हैं, फ्यूचर थिंकिंग मान गार्डन। जस्ट जोकिंग, नॉट एन सीरियसली। आपके लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू ब्लॉसम्स गार्डन है ये, फिर से देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सेंचुरी गार्डन, अंदर पूरा घास से बनाया हुआ जानवरों को दिखेगा, आप देख सकते हैं। आप इसे पूरा जानवर है अंदर घास का, एलिफेंट इज द एंट्रेंस। फिर से आपके लेफ्ट हैंड साइड में पिंक स्ट्रक्चर रामोजी हवा महल, देखिए ऊपर इंटीरियर आर्किटेक्चर डिजाइन जयपुर का हवा महल जैसा रहेगा। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अवर रामोजी फिल्म सिटी। मेहंदी फंक्शन, संगीत फंक्शन के लिए फेमस है ये। हम दिल दे चुके सनम फिल्म में चांद छुपा बादल गाने में दिखेगा आपको। आइया ड्रीम ऑन मेकअप हम गाने में भी देख सकते हैं इसे। और राइट हैंड साइड में है देवयानी गार्डन, नर्तकी गार्डन, फाइव डिफरेंट डांसिंग स्टैचू से यहाँ पे इस बिल्डिंग को फिल्मों में बताएगा। हवेली, पैलेस, यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज, हाईकोर्ट, एज पर द डायरेक्टर जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार राज में अमिताभ जी की हवेली है। तेलुगु फेमस मूवी चंद्रमुखी, लखलक बिल्डिंग। हम जो रोड के ऊपर जा रहे हैं ना, इस रोड को देखिए, ये तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया था यहाँ पे, माधधीरा बाइक रेसिंग सीन बनाया था, रामचरण इंट्रो सीन यहीं पे हुआ था। ओके, अभी तक आपने गार्डन्स को देखा है ना, बाकी का गार्डन्स ड्रॉपिंग होने के बाद एंजॉय करिए। अभी हम एंजॉय करेंगे कुछ सेट। आपका लेफ्ट में देखिए व्हाइट स्ट्रक्चर को, गोल्डन टेम्पल,
ज्यादा देर मत देखिए, गोल्ड नहीं दिखेगा वहाँ। गोल्डन टेम्पल कलर चेंज करते हैं शूटिंग के टाइम में, गोल्ड पेंट किया तो गोल्डन टेम्पल, सिल्वर पेंट किया तो सिल्वर टेम्पल एज पर द डायरेक्टर। और लेफ्ट साइड तुझे मेरी कसम फिल्म में आपको दिखेगा ये। हमें हम आ गए हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, वेलकम टू नॉर्थ सिटी। ये गुरुद्वारा है, देखिए लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा बना देते हैं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड रेड वॉल इज फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा। इतना बुलंद है कि दो जने चल के धक्का मारे तो नीचे भी गिर सकते, मजबूत रहते हैं क्योंकि ये पूरा सेट है। एग्जैक्टली अपोजिट में देखिए, आपके अपोजिट में मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, बस के सामने रिप्लिका ऑफ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। एंड लेफ्ट हैंड साइड मस्जिद और ताजमहल, ग्रीन पेंट किया था मस्जिद, व्हाइट पेंट किया था ताजमहल। आपको पता है मुंबई से आगरा, आगरा से मुंबई कितना किलोमीटर रहेगा? 1200 किलोमीटर। हमारे रामोजी फिल्म सिटी में मुंबई टू आगरा जाना है तो 2 सेकंड का रास्ता है, पैदल घूम के आ सकते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये पूरा सीट तेलुगु फेमस मूवी भीमला नायक मूवी में इस ताजमहल को ब्लू पेंट करके यूज किया था। और आपके राइट साइड में देखिए ये मार्केट एरिया है, कॉमेडियन हाउस वन मोरिस, हीरोइन हाउस। हमको फिल्मों में दिखाएगा हीरो हैदराबाद में रहेगा इस तरफ, हीरोइन मुंबई में रहती है उस तरफ, लेकिन वहाँ पे सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, यही स्पेशलिटी है। अगे अभी हम आ चुके हैं साउथ इंडिया में, तो देखिए राइट साइड में साउथ इंडिया लेडीज सेंट्रल जेल। हमारा जेल का स्पेशलिटी, लेडीज एक बार अंदर गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल है, बेल मिलने के बाद भी जेल को नहीं छोड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि अंदर एक ब्यूटी पार्लर भी रहेगा। तो भी कॉम्प्लीमेंट दी। अरे वेलकम टू चोर बाजार, बड़े मियां छोटे मियां, चोर बाजार बड़े मियां छोटे मियां में है। क्या बात है, ये साउथ इंडिया का लोकेशन है। यहाँ पे साल में 280 डेज का शूटिंग यहीं पे होते रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दोनों तरफ में पूरा ओपन प्लेस दिख रहा है ना, बीच में वो खाली प्लेस है, शॉप्स पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, डेकोरेट करते हैं शूटिंग के टाइम में। हमारा यहाँ पे देख लिया है ना, चेन्नई एक्सप्रेस में दिखेगा आपको, बीच में गांधी जी का स्टैचू लगा के गांधीनगर बना देती है, नेहरू जी स्टैचू लगा के नेहरू नगर। इस जगह को फिल्मों में रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं तो मार्केट बना के दिखाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये दिलवाले फिल्म में शाहरुख खान का गैरेज बना के दिखाया था। अगेन लेफ्ट नायक फिल्म में रानी मुखर्जी का घर, तेलुगु चंद्रमुखी डांस मास्टर हाउस। छोटे से गांव में ब्यूटीफुल विलेज यू कैन सी हियर, इतना सुंदर गांव में, यहाँ का घर तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारे घरों का स्पेशलिटी है दरवाजा ओपन करे तो ही मालूम होता है, एक बार दरवाजा ओपन करके अंदर गए तो घर में नहीं जंगल में जाने हैं। सामने से गांव में, पीछे से पूरा जंगल, शूटिंग के टाइम में सामने का बाग ही एस्टेब्लिश करते हैं विलेज के जैसा, लाल मिट्टी डाल के गांव बना देते हैं। बाहुबली फिल्म में दिखेगा आपको, चेन्नई एक्सप्रेस चेजिंग सीन में भी देख सकते हैं। और आपका राइट साइड में ऊपर देखिए क्रेम बिल्डिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस, रामोजी ग्रुप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। ये तो पक्का ओरिजिनल बिल्डिंग है, नॉट ए सेट, रामोजी ग्रुप का हेड ऑफिस है वो। आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा जैसे कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ, लेकिन मैं फॉरेन कंट्री में नहीं हूँ, मैं इंडिया में ही हूँ। और ये इंडिया यानी रामोजी फिल्म सिटी का फॉरेन कंट्री जैसा बनाया गया है, फॉरेन कंट्री एरिया है, यानी फिल्मों में अगर फॉरेन कंट्री का कोई सीन लिया जाता है तो यहीं पे वो सीन शूट किया जाता है। आप इधर देखोगे पूरा जितने भी मतलब जो घर वगैरह बने हुए हैं, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि हम इंडिया में नहीं किसी दूसरी कंट्री में हैं। और आगे यहीं पे एयरपोर्ट भी है जहाँ से कोई फ्लाइट ना तो कहीं आती है और ना कहीं जाती है, लेकिन हर एक जो एक्टर है उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाती है।
और जितने भी घर हैं काफी खूबसूरत घर बने हुए हैं। यहाँ पे जब आप रामोजी फिल्म सिटी के अंदर आएंगे तो जो बस होती है वो आपको 20 मिनट देती है इधर घूमने के लिए, जिसमें आप ये मतलब ये जो सोसाइटी है इसको आप लोग घूम सकते हैं। और यहीं पे मतलब एक एयरपोर्ट बना हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं ये जो सोसाइटी थी ना जिसको फॉरेन कंट्री जैसी दिख रही थी यहाँ से बाहर निकल गया हूँ, यानी काफ़ी बड़ी थी वहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहाँ तक काफ़ी मकान इसके अंदर बने हुए थे। तो यहाँ पे मेरे सामने ही एक हॉस्पिटल टाइप का बना हुआ है जिसको फिल्मों में हॉस्पिटल दिखाते हैं, ये आप लोग देख रहा है ये हॉस्पिटल बनाया जाता है। वहाँ पे एक एम्बुलेंस भी खड़ी है। आप लोगों को ये जो दिख रहा है ना ये तो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के पीछे ही जस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है बेटू एयरपोर्ट। तो चलते हैं, ये तो हॉस्पिटल था, अब हॉस्पिटल से आगे चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, मतलब एक तरफ हॉस्पिटल दूसरी तरफ एयरपोर्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटू फ्लाइट, ये है एयरपोर्ट। चलो एयरपोर्ट के अंदर चले एक बार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऊपर लिखा हुआ है ना। फ्लाई दुबई एयर इंडिया। चल भैया एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं। ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पे अनाउंस भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है जैसे आप लोगों को ऐसे फील होगा कि हाँ हम किसी एयरपोर्ट में हैं। चलिए अब एक काम करते हैं ऊपर चलते हैं यहाँ से बोर्डिंग पॉइंट। चल भाई ये है बोर्डिंग पॉइंट। अरे ये यहाँ पे फ्लाइट खड़ी हुई है, चल इसके ऊपर देखते हैं। और यहां से आगरा के लिए बैठते हैं, हमें यहाँ आने में 27 घंटे लगे थे लगभग, पहुंचने में शायद 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ले भैया हम तो अकेले ही हैं पूरी फ्लाइट में, कोई है ही नहीं। एक काम करा सामान वामान तो भी नहीं है कुछ इसमें रख दे। अरे रखेंगे कहां से, ये सब बंद पड़ा है यार। एक काम करो अब आगे बैठते हैं, विंडो सीट देखें क्या, आज विंडो सीट ले लो या कोई भी सीट आप ले सकते हो। अनाउंस हो रहा है हमारी फ्लाइट का। ये जो फ्लाइट है ना ना तो कहीं आती है ना कहीं जाती है, यात्रा पूरी हो गई हमें यहीं पे बैठे हुए। एक चीज और बताएं, इस फ्लाइट के अंदर ना तो कोई पायलट है कोई भी नहीं है, बस यहीं तक है, उसके आगे ये पायलट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इधर पूरा खाली यहाँ से नीचे नहीं। अभी हम जाने वाले हैं बिना गुना जेल में, हमने कोई गुना नहीं किया है और हम जाने वाले हैं सेंट्रल जेल में, रामोजी फिल्म सिटी की सेंट्रल जेल। आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय कारागार जेल नंबर 6 और ऊपर लिखा हुआ 4। यहाँ से हम जेल के अंदर एंट्री करते हैं, ये बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ कैदी और एक अंग्रेजों के जमाने के जेलर बैठे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये कैदी यहाँ पे पेश हो रहा है और ये सारे लोग मतलब पुलिस वाले हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए अंग्रेजों के जमाने के जेलर। यहाँ पे देखो एक चीज, यानी वहां पे मुजरिम को फांसी दी जा रही है, पीछे जल्लाद खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये वकील साहब खड़े हुए हैं, दूसरे की वहां पे पेशी हो रही है और यहाँ पे तीनों थर्म। यहाँ फिल्म की शूटिंग इस प्रकार से होती है जैसे कि ये लोग दिखा रहे हैं कि क्रेन कैमरा द्वारा यहाँ पे शूटिंग की जाती है। यहाँ एक्टर और जो एक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे जरा मिल लेते हैं। ये हैं हमारी फिल्म की एक्टर, इनको आप देख सकते हैं, और ये फिल्म के एक्टर हैं। उधर देखो जरा कैमरे की तरफ देखो, आज तुम्हारा शूट है, ये शर्मा रहे हैं। हमने कहा था बालों कटवा लेना,
इतने बड़े बड़े बाल कर लिए हैं, अगली बार कटवा के आना। यहाँ से होती है जेल की शुरुआत। कैदी जो हैं वो इधर रहते हैं। ये देखो कितना खतरनाक कैदी है। कहा भैया कौन सा जुर्म करके आए हो तुम, हमको वैसे ही डरा दे। इधर भी कुछ कैदी हैं और यहाँ पे भी कैदी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, तेरे नाम फिल्म में जो राधे भैया यानी सलमान खान थे वो इसी जेल में रहे थे, वो वाली जेल को दिखाया गया है। वो बड़ी सी जेल है ना, उसको दिखाया गया फिल्म के अंदर। छोटी सी जेल है, वहां से शुरू हुई थी, यहाँ पे खत्म। और इसको भी तीन पार्टों में, मतलब तीन भागों में बांटा गया है। ये वाला जो है ये है डिस्ट्रिक्ट जेल और वुमन ब्लॉक। यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ है, भैया दिखा देना उधर, वहां पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जेल वुमेन ब्लॉक। और ये वाली जो है ये बड़ी जेल है, ये भी फिल्मों में दिखाई जाती है। यहाँ पे पुलिस की कुछ वैन खड़ी हुई है। इसको भी एक बार दिखा दें क्या? चलिए इधर से आते हैं, इधर आओ एक मिनट, इधर से आ जाओ। ये डिस्ट्रिक्ट जेल को देखते हैं जरा नजदीक से। ये है जेल, यहां से प्रवेश किया जाता है और बस यहाँ पे, यहाँ कोर्ट भी बना हुआ है। ये कोर्ट है या इसको जेल बोलेंगे? फिल्मों में इस तरह से कुछ दिखाया जाता है ना, जब कोई भी एंट्री लेता है तो ये इसी तरह से दिखती है। और यहाँ पे पूरा सेट लगाया जाता होगा जब फिल्म की शूटिंग होती होगी। अभी तो यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आते हैं ना। अच्छा ये जो फिल्म है ये रामोजी फिल्म सिटी के अंदर शूट हुई है। जैसे ये गोलमाल 3 है, ये कोई मूवी है, और यहाँ पे है ये वो कलंक मूवी है। ये सारी मूवी इधर ही शूट हुई है। और ये है फिल्म सिटी का रेलवे स्टेशन जिस पे लिखा हुआ है हैदराबाद। तो इसको अंदर से दिखाते हैं। और भी यहाँ पे कई फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो बाहुबली 600 दिन में शूट हुई थी यहाँ पे। बाहुबली के सेट पे भी अभी हम लोग जाएंगे, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको चल से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाहुबली शूट रामोजी फॉर 600 डेज। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, अभी इसके अंदर चलते हैं, इधर से चलते हैं। ये लो यहाँ पे इंडियन रेलवे पूरा लिखा हुआ है टाइम टेबल। और ये है टिकट विंडो, टिकट काउंटर जहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है। और ये है इंक्वायरी विंडो। सामने यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है जो हैदराबाद से वास्को डी गामा जा रही है। इस पे लिखा हुआ हैदराबाद टू वास्को डी गामा। और इस ट्रेन के अंदर जो इंजन है वो स्टीम वाला है। आगे से दिखाते हैं आपको, अनाउंस भी हो रहा है। हैदराबाद है, अभी यहाँ पे जरूरत पड़ जाए कि इसको दिल्ली दिखाना है तो हैदराबाद की जगह दिल्ली कर दिया जाएगा। अभी कोई जल्द में ही कोई फिल्म की शूटिंग हुई होगी जिसमें इसको हैदराबाद दिखाया गया था, इसलिए यहाँ पे हैदराबाद लिखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा ये लिखा हुआ मथुरा जंक्शन। तो मथुरा जंक्शन जो है यहाँ पे काफ़ी पुराना लिखा हुआ है, कलर देखने के बाद आप लोगों को पता लग रहा होगा। और ये वाला जो है ना ये हैदराबाद, ये नया ही लिखा गया है, ये कलर अभी किया गया है। कोई फिल्म की शूटिंग हुई होगी, फिल्म की या सीरियल की, जिसमें इसको हैदराबाद दिखाया गया होगा, इसलिए इसको हैदराबाद किया गया था। ये यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, एक प्लेटफॉर्म इधर है और दूसरा वहाँ पे है। ये ट्रेन आती जाती कहीं नहीं है। एक बार ट्रेन के अंदर से आप लोगों को दिखा दें बोगी वगैरह। ये एसी कोच है, देखो वो लिखा हुआ है, पर इसमें कोई एसी एसी नहीं चल रही है, सेम बिल्कुल ट्रेन जैसे ही बनाया गया है, सब कुछ वही है। Hum 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 h
दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं, 6:04 हो गई हैं और हम अभी रामोजी फिल्म सिटी पूरी घूमने के बाद और अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जहां से हमें अब बस को पकड़ना है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी रामोजी फिल्म सिटी घुमाई। वैसे तो हम इस फिल्म सिटी में लेट ही आए थे क्योंकि 12 बजे हम यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने शो वगैरह दिखाए, उसके बाद 2 बजे हमें यहाँ से 2:30 बजे के करीब बस में बिठाया गया था, जिसके बाद फिर हम सेट देखने गए थे और लास्ट जो सेट हमने देखा था वो देखा था बाहुबली वाला, तो उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो इस वीडियो के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।